बैक टू माय चैनल। और आज है सैटरडे और आप लोगों ने इससे पहले वाली क्लिप देखी होगी जिसमें हम इमरती निकाल रहे थे। तो बकायदा मुझे आज खाना करना था पितृपक्ष का, तो अमावस्या पे करती हूँ मैं खाना, बट इस बार मैं नहीं कर सकती थी, आप लोगों को पता है जैसे कि, तो मैंने नहीं किया इस बार। तो फिफ्थ डे है तो 7 डे तक आपको क्लीन माना जाता है। मेरी मम्मी ने पंडित जी से पूछा था तो पंडित जी ने बोला कि इमरती जो है वो आप भोग के लिए निकाल सकते हैं, अगर घर में नहीं बना पाए, राजा को बिल्कुल भी कुछ बनाना नहीं आता, वो चाय बना ले वही बहुत बड़ी बात है। देखा था उसने अपनी चाय के, तो चाय ही बना ले वही बहुत बड़ी बात है। तो इसलिए इमरती से या लड्डू से आप कर सकते हैं उससे, अगर आपका वो नहीं है कि आप पूजा पाठ पे नहीं बैठ सकते। तो राजा ले आए थे इमरती और उन्हें कहते वो पूरा मीस नाम कुछ कुछ बोलते हैं उसे, मैं भूल गई। तो वो किया रे, क्या बोलते यार मेरे को तो बिल्कुल, मैं शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस हूँ। तो वो किया इन्हें और उसके बाद फिर हम लोग काम पे लग गए। कल से नवरात्रि शुरू है और जो क्लीनिंग है मेरे घर की वो हुई पड़ी है, बस मुझे थोड़ा सा कल और क्लीन करना है। वैसे पूरा घर मेरा इतना अच्छा खासा साफ है, देखिए बस पुदीन हरा रखा है यहाँ पे, ये फॉइल का ये डंडा रखा है। एक्चुअली बोधो और गूगल को थोड़ा डंडा दिखाना पड़ता है उसके लिए, ये रखा हुआ है यहाँ पे। तो मैं अभी इनके लिए बना रही हूँ पोहा और उसके बाद फिर मैं जाऊँगी बाहर। और हम लोग हमेशा जो माता है ना वो घर पे लगा देती है, आप लोगों को याद होगा अगर पिछले नवरात्र वगैरह आप मेरे ब्लॉग फॉलो कर रहे हैं। दरबार सजाते थे माता का, तो इस बार हम लोग नहीं कर रहे हैं वो। इसके कारण, इसका कारण ये है कि कल से पीओपी वहाँ का बेडरूम का काम शुरू हो रहा है और वहाँ पे भी फैला रहेगा, तो मैं नहीं जा रही, किसी भी तरह की अशुद्धि रहती ना वो हो, इसलिए फिर हम लोग को लगा कि पाप चढ़ाने से अच्छा है कि ना करो। और कहा जाता है कि अगर आप कुछ भी कर रहे हो तो मन से करो या फिर ढंग से करो, अगर आपको पता है कि वो चीज को कुछ प्रॉब्लम हो सकती है तो आप मत करो। तो फिर हम लोग को लगा कि इस बार नहीं करते क्योंकि आते जाएंगे वो लोग भी और माहौल में ही करते थे, तो फिर कैसा कोई भी आ रहा है और इस तरह से हम लोग को लगा अवॉइड करते हैं। हाँ, तो मैं इनके लिए बना रही हूँ पोहा और मैंने पोहा खाना था। मेरा काम जो है बहुत बुरा पड़ा हुआ अभी, तो मैं मूंगफली डाल रही हूँ, सबसे पहले मूंगफली फ्राई होगी। इस बीच में मैं प्याज काट रही हूँ और प्याज और हरी मिर्ची काट रही हूँ, मैं आलू नहीं काट रही हूँ क्योंकि आलू को गलने में टाइम लगेगा। मेरे में है दो चाकोली, दो रस और इन्हें सब पोहा, मैं ज्यादा पोहा नहीं खाती। हाँ, मैं इतना सा पोहा और चाकोली, राजा के पास है बहुत सारा पोहा, दो चाकोली, नमकीन एंड प्याज ऊपर से डली हुई और चाय, मेन थिंग। नींद आ रही है मतलब बहुत जोर से, पता नहीं क्यों। क्या किया इनने, ये देखिए, इनने कहा था कि उस वाले रूम में रखेंगे और यहाँ रख दिए इन्होंने, इनने इनने उनने, इस शॉर्ट फॉर्म ऑफ इन्होंने उन्होंने, वो भी इनने नहीं करती होंगी, इनने उनने, इधर शॉर्ट फॉर्म ऑफ इन्होंने एंड उन्होंने, तो इतना लंबा कौन बोले इनने। मेरी मम्मी बोलती होंगी या कोई ना कोई तो मेरे घर में बोलता होगा, बचपन की आदत है, ऐसे नहीं पढ़ती है, कौन बोलता है मम्मी? हाँ, तो आते हैं, आप बोलती हो मम्मी? मम्मी शायद बोलती, मम्मी ही बोलती होगी। तो अभी मेरे पास एक कमेंट आया था कि मैं दांत दिखा के बात ना किया करूं। बोलने का मुंह बंद करके बात करूं? हाय, मेरे को दांत दिखाना बहुत पसंद है। मुंह बंद करके बात करो और बंद करके दांत बंद करके बात करो। लॉगिंग ही ना हो पाए। कोशिश करिए, चलिए एक अटेम्प्ट लेती हूँ आपके, दांत दिखा के बात ना करूं।
किसी कैसन बा कैसन कैसे है राजा खुश हो जाएगी ना वो कि कम से कम उसकी बात देखिए दो मिनट हाँ अब इससे ज्यादा ना इससे ज्यादा ना सबकी बात माननी चाहिए सबकी बात माननी चाहिए मैंने बात किसी को निराश नहीं करना चाहिए एक्चुअली मैं बताने मुझे आदत है दांत दिखा के मैं ऐसी बात करती हूँ हमेशा से एक्चुअली मैं क्या है जब मैं बात करती हूँ तो मेरे मुंह पे एक स्माइल रहती है तो इसीलिए आपको ज्यादा दांत दिखते होंगे मेरी 32 ही दिखती होगी मतलब 32 ही है और 32 दांत आपके दूध के दांत टूटे नहीं है 32 दांत आ गए गॉड प्रॉमिस 32 आपके दूध के दांत टूट गए भाई बचपन में टूट गए थे इसलिए डाले जाते हैं कि वो शायद थोड़ा सा वो हो जाए और मैं पता किसी के साथ कुछ भी नहीं करती सीरियसली मैं किसी के बारे में कुछ नहीं बोलती मैं किसी से फालतू में ना कुछ कुछ भी नहीं करती ना मैं यार किसी से कुछ आज तक ऐसा हुआ है ठीक है ना मैं किसी सब्सक्राइबर को ऐसे आके कुछ मतलब मैं किसी के लिए कुछ नहीं करती हूँ मैं अपना काम करती हूँ इन शॉर्ट मैं अपना काम कर रही हूँ अपने प्रैंक्स कर रही हूँ अपने मेकअप वीडियोज़ कर रही हूँ ब्लॉग्स कर रही हूँ और सरप्राइज वीडियोज कर रही हूँ तो जो भी रहता है वो मेरा खुद के चैनल में जितना रहता है वो मेरा खुद का मैटर है खुद का कंटेंट है मैं किसी को पॉइंट आउट नहीं कर रही हूँ उसके बाद भी 6-7 महीने पहले एक वीडियो बनी थी बट वो चलिए हो गया और कुछ जो भी था वो हुआ मुझे थोड़ा बुरा लगा एक बनी थी ना वो वाली दैट IVF गूगल IVF से हुआ है अच्छा वो याद नहीं है फालतू की बनी थी उसके बाद क्या हुआ मैंने प्रैंक वीडियो करी थी लाइक मेरा लास्ट प्रैंक था जो थर्ड वाला इसके बाद मैं और भी करूँगी जिसको बनानी है बना लीजिएगा जिसे मैंने गुड्डा बनाया था बहुत सारे लोगों को पसंद भी आई है बट कुछ लोगों का 2.5 लाख व्यू है उसपे तो एक वीडियो क्या हुआ मैं ऐसे नेट वो कर रही थी सर्च वगैरह कर रही थी और जब मैं अपना हैशटैग डालती हूँ तो मेरे पास कुछ वीडियोज आती हैं जैसे हैशटैग चांदनी ब्यूटी जोन या हैशटैग चांदनी प्रैंक डालेंगे आप तो शायद आपको कुछ वीडियोज मिले तो हैशटैग चांदनी ब्यूटी जोन डालती हूँ तो कुछ ऐसे कंटेंट रहते हैं उसमें जिसमें मेरा नाम भी नहीं है बट उस चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा हैशटैग यूज हुआ है जो मैं अपने चैनल में यूज करती हूँ हैशटैग चांदनी ब्यूटी जोन तो ऐसी हैशटैग चांदनी प्रैंक तो ऐसी एक वीडियो थी फिर मेरे को लगा कि उसका जो टाइटल था वो ये था कि व्यूज के लिए क्या क्या करते हैं लोग और एक सेकेंड और उनने जो बात करी है वो एंडिंग में थोड़ी बहुत करी है बट द वे शी वॉज एक्सप्लेनिंग एवरीथिंग ना जिस तरह से वो एक्सप्लेन करी थी चीज़ें वो बहुत बुरा लग रहा था और जो लैंग्वेज थी मैं सबसे आप करके बात करती हूँ ना तो मुझे थोड़ा सा ये है राजा से मैं तुम करके बात करती हूँ मैं सबसे आप या कॉमेंट सेक्शन में भी आप तो मेरा मैक्सिमम आदत आपकी है राजा से मैं बहुत प्रैंक हूँ तो तू पे नहीं आते हम लोग तो जो तरह की लैंग्वेज थी मुझे अच्छी नहीं लगी फिर वो चीज़ें एक्सप्लेन करना फिर मजाक उड़ाना और फिर कहना कि ज़्यादा क्या बोलते हैं ओपन माइंडेड या वो हो जाते हैं तो जो भी है चलो ठीक है पर मैं सिर्फ ये बोलना चाहती हूँ कि चलिए हैशटैग यूज़ कर रहे हैं मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है कि अगर कोई मेरा अपना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हैशटैग यूज़ कर रहा है तो सीरियसली मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है आप यूज़ कर रहे हैं नो प्रॉब्लम बट मेरे नाम पे किसी चीज़ को टाइटल देना वो सही नहीं है जबकि मैं किसी से नहीं लड़ती मैं तो सोच रही थी इस बात पे भी कुछ नहीं बोलूंगी पर मुझे लगा कि चलिए एक दे दी जाए कि आगे चल के और प्रैंक्स आएंगे तो उसके लिए अगर कोई मुद्दा है तो उस मुद्दे को उठाइए है ना ये मुद्दा तो नहीं था वो तो सिर्फ अपनी वीडियो वो भी लाइव चीजें एक्सप्लेन करना थोड़ा सही नहीं लगा मुझे और बस ये मेरे को लगा कि किस लिए और बोल रही थी कि अपना अरे वो तो मैंने थोड़ी सी देखी थी 2 मिनट की देखी थी और ये और सब पता था सब पता है क्या हुआ क्या नहीं हुआ मैं नाम इसलिए दे रही क्योंकि देखिए एट लास्ट इंसान का मकसद यही होता है जो कि मैंने पहले रियलाइज किया था जब मैंने वो वीडियो बनाई थी और आप लोगों को बताया था इंसान का मकसद ये होता है कि वो किसी तरह से हो जाए मैं चाह रही हूँ कि जो जो नया काम कर रहे हैं या न्यू यूट्यूबर हैं या आप लोग काम कर रहे हैं सब लोग इक्वल हैं मैं तो सबसे पहले तो बोल रही हूँ कोई भी ये नहीं है कि कोई पुराना है या कोई नया है या कोई बड़ा है कोई छोटा है देखिए न्यू है या ओल्ड है कोई बड़ा छोटा नहीं है ना काम सभी कर रहे हैं बस कहते ना कि आपने रिसेंटली ज्वाइन किया है हम लोग थोड़ा सा पुराने हो गए हैं तो हम लोग पुराने हैं हम लोग नए हैं और सब इक्वल है कोई छोटा बड़ा नहीं है बट मेरी सबसे एक वो है कि पता है किसी का भी नाम लेके अगर आप लोग
सोच रहे हैं ना कि व्यूज आ जाएंगे, तो मैं आपको बताती हूँ एक बहुत ही अच्छा सच है, वायरल है। कोई अभी मैं सब्सक्राइबर वाला बोल रहा था, हंस रही कि अपना हम तो ऐसा कभी कर ही नहीं सकते। हाँ, मतलब आप कर सकते हो क्या कभी? देखिए, मेरे को तो ये है कि मैंने वो वीडियो बनाई और मुझे कोई अफसोस भी नहीं है उसे बनाने का, ऐसा कुछ गलत है ही नहीं। हाँ, मैंने कौन सा असली इंसान आके लिटा दिया था, लोग तो असली वाला करते हैं। हाँ ठीक है, मैंने करा, मुझे कोई अफसोस भी नहीं है, बट मैं ये कह रही हूँ कि आप अपना कंटेंट बनाइए। क्योंकि देखिए, अगर आप किसी का नाम लेते हैं, ये बहुत अच्छी सी बात मैं आप लोगों को बता रही हूँ, आपने किसी का नाम लिया, किसी ओल्ड यूट्यूबर के खिलाफ कोई वीडियो बना दी या उसके पक्ष में कोई वीडियो बना दी, तो हो सकता है उसमें आपको व्यूज मिल जाए। पर एक बात याद रखिएगा कि वो व्यूज से आपके थोड़े बहुत सब्सक्राइबर्स भी बढ़ जाएंगे, पर ये कहते हैं ना, अगर आप एक रेगुलर चीज कंटेंट क्रिएट करते जाएंगे, अगर आप किसी कुकिंग लाइन में जा रहे हैं या ब्यूटी लाइन में जा रहे हैं या ब्लॉगिंग लाइन में जा रहे हैं या प्रैंक लाइन में जा रहे हैं या किसी भी लाइन में जा रहे हैं, तो आपको यह है कि आप काम करते रहिए, और अगर आप कॉन्स्टेंटली काम करते जाएंगे ना, तो आपके सब्सक्राइबर कॉन्स्टेंटली जो कहते हैं धीरे धीरे जो बढ़ते हैं ना, उनसे आपको व्यूज मिलते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि आपका कंटेंट क्या है। अगर आप किसी के एकदम से आपने बनाई 1 M व्यूज आ गए, कुछ कुछ होता है कि कुछ लोगों के ना बहुत सारे एम में व्यूज आ जाते हैं, उनके सब्सक्राइबर 2-3-4 लाख पहुंच जाते हैं, और जब व्यूज की बात आती है तो उनके चैनल में ना 600, 700, 800, 1000 इस तरह से व्यू आते हैं। तो फिर और ये याद रखिएगा, सब्सक्राइबर से मनी का कोई भी लेना देना नहीं है। कि अगर आप सोच रहे हैं कि इस यूट्यूबर के इतने सब्सक्राइबर हैं और इसके तो इसके पैसे ज्यादा आते होंगे, तो सब्सक्राइबर का पैसों से लेना देना नहीं है, व्यूज से लेना देना है, और व्यूज में भी एड्स जो चलती है उससे लेना देना है। तो मेरी एक आप लोगों से है कि जो जो नया काम कर रहे हैं ना, तो वो अपना एक जो भी इंटरेस्ट है वो पकड़िए, उसमें जी जान लगा दीजिए। अगर आप एक महीना काम करके सोच रहे हैं कुछ नहीं हो पा रहा, फिर आप किसी का नाम ले रहे हो, तो पता है वो चीज सर्वाइव नहीं करेगी ज्यादा। अब देख, अब एग्जांपल दो ना, हमारे 1,15,000 सब्सक्राइबर्स हैं, लेकिन हमारे तो 10 लाख भी व्यूज गए हैं। हाँ। और जिस वीडियो की बात कर रहे हैं, जिस वीडियो की वो बात कर रही थी, उसमें 2.5 लाख व्यूज है। हाँ। हाँ। सब्सक्राइबर से कोई फर्क पड़ा क्या? सब्सक्राइबर से कोई फर्क नहीं पड़ा। देखो आप अपना। हाँ, सब्सक्राइबर से कोई फर्क नहीं पड़ता, एक कांस्टेंट व्यूज। जैसे मुझे पता है कि मेरे चैनल पे 30, 35, 50, 60, 70, और अगर मैं कुछ प्रैंक वगैरह कर दूं तो 100, 200 इस तरह से चले जाते हैं। तो सब्सक्राइबर कई बार ज्यादा कम भी होते हैं, तो भी आपके व्यूज ज्यादा चले जाते हैं। तो सीधा सा काम ये है कि आपको किसी का भी नाम मत लीजिए कि कोई कुछ कर रहा है या क्या कर रहा है। पता है क्या होता है इससे, एक बात याद रखिएगा, इससे जो यूट्यूबर है उसका ही फायदा होता है जिसका आप नाम ले रहे हैं। ये भी है ना दादा, जिसका आप नाम ले रहे हैं उसका ही फायदा होता है, आपका होता है, पर आपका जितना होगा नहीं ना, उससे ज्यादा उस यूट्यूबर का फायदा होगा। क्योंकि कहीं ना कहीं लोग देखेंगे, फिर उनको जाके जो जानते भी नहीं होंगे ना, वो भी जाएंगे उनके चैनल पे और फिर वो भी देखेंगे। हाँ, तो इस तरह से चलता है फंडा। तो ये याद रखिए कि अपना जो मेन आप स्ट्रीम पकड़ रहे हो उस पर काम करिए, किसी का नाम या कुछ भी कॉन्ट्रोवर्सी। अब देखिए, मैंने अपने लिए अपने प्रैंक बनाए थे, मैंने अपने लिए वो काम किया, मैंने व्यूज उससे लिए, जो भी किया मैंने खुद के लिए किया, मैंने किसी का कुछ यूज नहीं किया। तो मैं नहीं चाहती कि कोई, मैं बोल रही हूँ मेरा हैशटैग यूज कर सकते, पर मेरे नाम से ना ये गंदे गंदे टाइटल्स मत डालिए कि व्यूज के लिए इंसान कुछ भी कर सकता है। और वो टाइटल मैं पढ़ के बताती हूँ कि पैसों के लिए कुछ भी करोगे क्या, और फिर मेरा और मेरी ही पिक्चर का थंबनेल लगा रहे हो, और उसमें आपने जो लगा हुआ, हाँ जो थंबनेल है, आप मेरा थंबनेल भी लगा रहे हो, और उसके बाद भी व्यूज नहीं आया आपके तो, और लाइव वो भी। हाँ, तो वही बोल रहे ना, उसके बाद भी व्यूज नहीं आया। अब तो कोई आएगा, अब तो कोई आएगा, गिनती के 2-4 लोग आए हैं। हाँ, तो बात ये है, सीधी सी बात ये है कि किसी का नाम लेने से आपको कुछ नहीं मिल जाएगा, बहुत क्लियर फंडा है। कितने दिन व्यूज आएंगे आपके, एक दिन आ गए, आपने 2 दिन टॉपिक को गर्मा गर्म, जब तक टॉपिक गर्म है तब तक आपके व्यूज आ रहे हैं, और जैसे ही टॉपिक ठंडा हो गया ना, तो आप कौन हम कौन, वही वाली बात हो जाएगी। इसलिए अपना काम करिए, और उसके बाद जो है आपको फल जो है वो मिलेगा। और थोड़ा ये है कि 5-6 महीने, 7 महीने आपको पेशेंटली भी, तो कितने महीने काम किया है, 1 अप्रैल, 2 जून, 3 अगस्त, 4 सितंबर, 5 अक्टूबर, नवंबर में मेरी वीडियो चली थी, अक्टूबर में एक चली थी, तो आप मान के चलिए मेरे कितने महीने हो गए, 8 महीने हो गए। और उसके बाद जो है वीडियो जो थी उसने स्पीड पकड़ी, और जो मेरे सब्सक्राइबर है कभी भी ऐसे नहीं बढ़े, मेरे को सब्सक्राइबर जैसे मेरे को लगता है कि बहुत सारे हो जाए थे, तो मेरी कोई भी वीडियो ऐसे वायरल नहीं गई, मेरे जो सब्सक्राइबर थे वो कनेक्ट होते गए होते गए होते गए होते गए, सब कनेक्टेड ही है जो भी हुए आज तक। तो ये है कि आपको काम करना पड़ेगा, और देखिए मैंने खुद 7-8 महीने वेट किया। एक यूट्यूब जर्नी में से कोई कह रहा था, तो मैं शेयर करूंगी कि मेरे जो फ्रेंड्स हैं यूट्यूब के, और क्या था उस टाइम पे, क्या सिनेरियो था, यूट्यूब बहुत अलग था जिस टाइम मैंने शुरू किया था। उस टाइम कोई किसी का नाम नहीं लेता था, है ना, ब्लॉगर्स थे ही नहीं,
ब्लॉगर्स नहीं थे, पता है मेरी नहीं करते था कोई, मेरी फ्रेंड थी, मेरी दो थी फ्रेंड और वो अभी भी है मेरे उसमें, एक थी अन्वेषा एक थी निधि, और वो अभी भी काम करते हैं यूट्यूब में। और पता है कुछ था ही नहीं, मतलब हम लोग का मैं किसी की वेबसाइट सामान मंगवा लिया, मतलब ऐसा कुछ होता ही नहीं था, मतलब नॉर्मल बात नॉर्मल चीजें, पता नहीं क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा कि नाम यूज करने वाला फंडा जिसने भी शुरू किया है वो बहुत गलत किया कि आप नाम यूज करके जो काम कर रहे हैं, तो उससे आपका फायदा भी होगा, यूट्यूबर का भी फायदा होगा। अगर आपको मेरा नाम लेके कुछ करना है तो कर दीजिए, अगर आपका मन कर अगर करना होगा। देखिए कॉपीराइट तो मैंने आज तक किसी को नहीं दिया, मैंने उस टाइम पे भी नहीं बोला था कि मैं कॉपीराइट दूंगी और ना मैं अभी किसी को कॉपीराइट दूंगी, क्योंकि कोई मतलब नहीं है। और रही बात केस करना और ये करना वो करना, तो भैया साइबर क्राइम हाथ जोड़ लिए। मेरा फेसबुक वाला केस था आप लोगों को जैसे कि पता है, आईडी वाला केस, उसमें से एक तो मैंने बंद कराना पड़ गया, क्योंकि क्या हुआ मैंने कॉल किया था उन लोगों को, एमपी क्या है वो क्या है सीएम हेल्पलाइन, हाँ एमपी की सीएम हेल्पलाइन। तो जब आप उन्हें प्रेशराइज करते हैं ना, तो काफ़ी हद तक वो लोग पुलिस वालों को और साइबर क्राइम वालों को प्रेशराइज करते हैं कि इस केस को सॉल्व कर दिया जाए। इतने दिन तक वो आईडीज डली रही, फिर कुछ महीनों बाद मेरे पास कॉल आते थे सीएम हेल्पलाइन से कि आपका जो वो है वो ट्रेस नहीं हो पा रहा है, और वो साइबर क्राइम वाले कुछ कर ही नहीं पाए, मेरे को तो आज तक समझ में नहीं आता। एक आईडी जो है, मैंने वो वाला केस अभी तक बंद नहीं कराया है जो मेरी एक आईडी वाला था, पर मैंने अपडेट भी नहीं ली उसकी, फिर मेरे को लगा ठीक है जिसने फेसबुक आईडी बनाई थी, इन केस अगर कोई दोबारा से करता तो मैं फिर एक्टिव होंगी, अदरवाइज मेरे को लगा रहने दो। तो कोई सेंस नहीं है इन सब चीज़ों में पढ़ने का, और ना ही मेरे को लगता है कि मेरे किसी को कॉपीराइट स्ट्राइक, क्या होता है कोई शुरू करता है तो उन लोगों को कई बार कहते हैं इंसान बहक जाता है और देखता है कि हाँ ये सब चीज़ें हो रही है तो कर लेता है, पर मैं आप लोगों को बोल रही हूँ कि सब करने का कोई मतलब नहीं है। आप अच्छी चीज़ें, अगर आपको कुछ अच्छा, आपको रंगोली बनाना आता है ना तो अभी बहुत अच्छा टाइम है, अगर कोई न्यू यूट्यूबर है तो अगर आपको रंगोली बनाना आता है तो इस टाइम आई थिंक रंगोली बनाइए, है ना राजा? हाँ कुछ क्रिएटिव हो जाएगा, मेहंदी आती है तो मेहंदी बनाइए, तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप कर सकते हैं इन सब चीज़ों के अलावा, क्योंकि इन सब चीज़ों से एट लास्ट आपको कुछ मिलना नहीं, मैं गिर भी रही हूँ। तो चलिए मुझे यही बात करनी थी कि बस यही करनी थी, मुझे फर्क तो 0% का पड़ा है, पर मैं बता रही थी क्या होता है ना कि अगर कुछ लोग जुड़े भी हुए, अगर उन लोगों को लगता है बताएंगे तो हमारे काम को व्यूज फ्री के व्यूज मिल जाएंगे, कुछ नहीं आप लोग देखोगे तो बताने का तो मतलब ही नहीं, तो मतलब नहीं है वहां, तो मैं लड़ाई झगड़ा होगा और मैं नहीं चाहती हूँ कि कोई लड़ाई झगड़ा या कोई कॉन्ट्रोवर्सी क्रिएट हो मेरे नाम पे, और अगर होती है ना तो मुझे फर्क भी नहीं पड़ता है, क्योंकि मैं थोड़ा सा, पता है मैं थोड़ी बड़ी हो गई मैं थोड़ी शांत इंसान हूँ, मैं थोड़ा ना बड़ी हो गई, मैं जैसे जैसे बढ़ती जा रही हूँ ना मेरा दिमाग थोड़ा ठंडा होता जा रहा है, तो मुझे वो वीडियो देख के भी ना गुस्सा भी नहीं आया था मुझे उस वीडियो देख के, मुझे ये लगा कि यार थोड़ा सा अलर्ट कर देना चाहिए कि जो चीज़ें हैं ना वो सही नहीं है, अगर कोई सोच रहा है किसी नया चैनल क्रिएट किया है कोई कॉन्ट्रोवर्सी मिल जाएगी, तो मुझे ये लगता है कि इस प्लेटफॉर्म पे आके सब होना चाहिए, नहीं होना चाहिए पता, ये बहुत सब गलत चीज है। तो चलिए मेहनत करके वीडियोस बना रहा है, ऐसा तो है नहीं कि किसी कॉपीराइट कर रहा है, हॉरर वाली की भी मैंने अलग थोड़ा कॉन्सेप्ट था मेरा, उसका भी थोड़ा अलग ही था जो मैंने बनाया कि चलो नकली आदमी हो गया, तो बहुत सारी चीजें दिमाग लगता है, मैं लगाती रहती हूँ थोड़ा थोड़ा दिमाग, क्योंकि आपको पता है मेरे लिए ब्लॉग करना बहुत मुश्किल हो जाता है, कहीं ना कहीं कभी ना कभी चीजें बोरिंग हो जाती है, क्योंकि आज की डेट में हर ब्लॉगर के पास उनकी फैमिली है, मेरे पास मेरी फैमिली नहीं है, मेरी फैमिली बहुत दूर है, तो कहते हैं ना कंटेंट लोगों से आता है, लोग नहीं है मेरे पास, उसके बाद मेरा चैनल चल रहा है अच्छे से, तो बहुत कहते हैं ना बड़ी बात है, मैं कुछ ना, हाँ तो वही बहुत बड़ी बात है कि वो है कि अगर मेरे पास फैमिली होती तो आप सोचिए क्या होता, खैर जो नहीं है बाद में होगा, ठीक है ना। तो चलिए थोड़ी देर मिलती है आप लोगों से। ये कौन है? ये गूगल आया है, गूगल खा रहा है हड्डी, अपनी हड्डी दोगे मुझे हड्डी? बेटा खा लो बैठ के, अरे कैमरा नहीं, गूगल बड़ा समझदार नहीं है। तो मेरे डिनर टाइम में मेरे साथ एक ना एक कोई ना कोई रहता ही है, राजा टीवी देख रहे हैं, तो इस टाइम है मेरे पास गूगल, तो मुझे कोई ना कोई कंपनी देने के लिए रहता है, तो यहाँ पे बैठा हुआ है, मैं सब्जी काट रही थी तो उसे कुछ खाने के लिए चाहिए था, तो ये देखिए गुड बॉय।
बैठो।